वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज वीडियो नंबर 105 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इससे पिछली वीडियोस में हम रेशियोस में दो मेन हेडिंग की टॉप रेशियोस पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो थे, सॉल्वेंसी रेशियो में चार रेशियो थे। उसके बाद आज हम थर्ड रेशियो पे आए हैं जो कहलाता है एक्टिविटी रेशियो। क्या होता है एक्टिविटी रेशियो, किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो एक्टिविटी रेशियोज का मतलब वो रेशियो होते हैं जो फर्म की कैपेसिटी बताते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज करने में, अपनी परफॉर्मेंस में कितनी सक्षम रही है, या कितना अपनी इन्वेंट्रीज को या कितना बाकी चीजों को इजिली हैंडल कर पाई है। तो एक्टिविटी रेशियो में पहला रेशियो जो आता है वो होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी इन्वेंटरी को, अपने स्टॉक को, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, अपने स्टॉक को कितना सेल्स में कन्वर्ट कर पाए हैं या कितने का सामान मैंने बेचा है। तो इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कितने का सामान बेचा, सेल्स प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरी ड्यूरिंग दैट पीरियड। किस चीज के विषय रेशो बताएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का सामान बेचा और एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है गाइस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जाने का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स प्राइस, सेल्स कॉस्ट मतलब उन सेल में से कितने का खर्चा हुआ। जैसे 10 रुपए का सामान है, मैं उसको 12 में बेच रहा हूं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 और 10 रुपए क्या हो गई मेरी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इस 12 में से कॉस्ट कितनी है 10 रुपए। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक। इसका जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, टाइम्स में आएगा, आंसर भी किसमें आएगा, टाइम्स में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं दोनों चीजों की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री, ये दोनों क्या होती हैं, इसके कौन से फॉर्मूले हमको यहां पढ़ने हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं, यहां फॉर्मूले लिखते हैं ताकि नीचे गायब नहीं होना है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो भाई मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, तो मैं इसको सीओजीएस लिखूंगा। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तो भाई कॉस्ट कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकाली जाती है कॉस्ट, अपन ने बचपन में पढ़ा था कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 12 का तो क्या सेल्स प्राइस, उसमें से क्या हटाऊं कि कॉस्ट आ जाए, 2 रुपए हटाऊं, 2 रुपए का मतलब प्रॉफिट हटाऊं। तो अपना जो फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, वो फॉर्मूला क्या बनेगा अकाउंटिंग टर्म्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स माइनस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों यहां पे नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट खर्चे भी आ जाते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चे की वजह से हम नहीं पता लगा पाएंगे कि भाई एग्जैक्ट कितने का एक प्रॉफिट हमें हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा है, 12 रुपए की चीज बेची, उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो उस चीज की कॉस्ट कितनी थी 10 रुपए। सिंपल, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो यहां पे हम ऐड कर देते ग्रॉस लॉस को, अगर लॉस होता तो ऐड हो जाता है, सिंपल था, बेसिक चीज है जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, एक फॉर्मूला और है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, वो फॉर्मूला और देख लो काम का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली परचेज और सेल से लिंक्ड है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला और है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे ये चीज है, अगर ये मिल जाती है तो अच्छी बात है,
और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मिलते तो हम इसको यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, बाकी किसी चीज को जीरो नहीं रखेंगे, इसको हम जीरो रख सकते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ना मिले तो हम इसको जीरो रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास आए, तो हमने देखिए अगर सेल्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो जोड़ देंगे। अगर सेल्स नहीं गिवन, परचेज गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर अवेलेबल है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बात कर लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री की, ठीक है, मैं यही बता देता हूं एवरेज इन्वेंट्री का, एवरेज क्या है, एवरेज निकालना आप लोगों को सबको आता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सबको जोड़ो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू, क्या फॉर्मूला आ गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो दो चीजें हमको निकालनी थी, पहला COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा एवरेज इन्वेंट्री, जो निकालने का फॉर्मूला हमने यहां देख लिया। ये रेशियो को एक आप करते हैं, इसको मैं बोलता हूं इसका पार्ट वन, पार्ट वन क्यों बोलूंगा गाइस, क्योंकि ये एक रेशो ऐसा है जो कि जनरली 80% चांसेस इसी रेशो के आते हैं पूछने के, और इस रेशो में काफी मैथमेटिक घुसा के और इसको काफी टिपिकल बनाया हुआ है, तो हम एक दो पार्ट में इसको करेंगे ताकि सॉर्ट आउट हो जाए। हमने आ गए चीजें, फॉर्मूला अपना ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ये तो फॉर्मूला अवेलेबल है, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ये फॉर्मूला अवेलेबल है, समझ में आ गया पक्की बात। एक चीज और देखना, हाँ एक चीज और है जो कि शायद मैं कह सकता हूं कि भाई हम कह सकते हैं कि जो अपनी बुक है उसकी थोड़ी सी मिस्टेक ले लो, या फिर ये बोल लो कि ठीक है भाई चल रहा है, वो क्या चल रहा है वो चीज देखो, इन केस अगर आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये आप पहले फॉर्मूला लिख लो फिर मैं इसको समझाता हूं, इसको आप देख लो पूरे को नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लो, क्या जो भी करना फटाफट करो, देखो अब देखना, इन केस जस्ट इन केस अगर मुझे गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,00,000, ओपनिंग स्टॉक 50,000, कुछ भी मान लो कितना भी, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अब भाई ये एक तीन ही चीज गिवन है क्वेश्चन में, तो भाई सीधी सी बात है कि मैं कॉस्ट तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ना मेरे पास परचेज है ना कोई और चीज है ना प्रॉफिट है। तो इन केस ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर प्रॉफिट वगैरह परचेज वगैरह कुछ भी नहीं दिया होता तो हम मानते हैं कि यही क्या है, COGS है। ध्यान रखना, इन केस ऑफ डेफिसिट इंफॉर्मेशन हम ये मानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही COGS है, कि प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा मान के इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही COGS मानते हैं। ये कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल स्टैटिक का जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, अगर आप करना चाहो पहला या दूसरा क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में ये चीज आ जाती है कि भाई ये तीन चीजें गिवन है निकालो, आप बोलोगे भाई अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे तो सेल्स गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्या करेंगे हम प्रॉफिट को जीरो मान के काम चला लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीज है, ज्यादा ध्यान में लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ताकि हमको और समझ में आए। तो आज जो हम कुछ का क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कह दूंगा, ज्यादा नहीं कह दूंगा तो फिर भी थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। तो हम करते हैं भाई सबसे पहले प्रश्न क्रमांक आ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर, चलो सबसे पहले सिंपल ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 62 TS रिवार्ड 2017 रिवीजन आपकी स्क्रीन पे आ गया, 62 क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल है फिर थोड़ा सा और टेढ़ा लेंगे, फिर थोड़ा सा और टेढ़ा लेंगे, फिर थोड़ा सा और टेढ़ा लेंगे, ठीक है गाइस, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। चलो सिंपल सा है, हमको सबसे पहले दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS दे रखा है डायरेक्ट, कितना दे रखा है COGS 4,50,000, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, यानी कि
ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है आपको 1,75,000। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई लोगों, आगे गिवन कुछ नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अपन को जो निकालना है वो निकालते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको पूरा लिखना है, फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, पूरा आपको फॉर्मूला लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली लिख दिया, एवरेज इन्वेंट्री गिवन नहीं है तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, 1,25,000 प्लस 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस थोड़ा दिमाग लगाओ, 1,25,000 और 1,75,000 ये हो गया 3,00,000 रुपए अपॉन 2 कटा, कितनी बार में जाता है 1,50,000, ये 1,50,000 रुपए। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1,50,000 रुपए। कहां से आए भाई लोगों, ये आई वर्किंग नोट नंबर 1 से, तो वर्किंग नोट नंबर 1 से आई एवरेज इन्वेंट्री। काटो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 45, 15, 15, 3 जा 45, डायरेक्टली तीन बारी में जा रहा है तो हम लिखेंगे इसको 3 times, डायरेक्ट कितना लिख दिया 3 times, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी टेढ़ा नहीं। चलो गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 इस टेबल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 63 क्वेश्चन बहुत सेम है, ज्यादा कुछ टेढ़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा है वो हम कर लेंगे, कोई चिंता नहीं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग और बस पूछो क्या फिट हो गया क्वेश्चन। देखो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,00,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 5,00,000। अब दूसरा क्या गिवन है, परचेज गिवन है, इसमें नई चीज गिवन है, परचेज गिवन है 5,50,000 रुपए, ओपनिंग दे रखा है अपने को 1,00,000 रुपए। ये तीन चीज गिवन है भैया, यही निकालना है अपने को। तो भाई हिंट विंट में मत देखना आप लोग, सीधा सीधा बैठे देखो, दिमाग लगा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में COGS तो है 5,00,000। अब निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, भाई एवरेज इन्वेंट्री के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, या ओपनिंग तो है पर क्लोजिंग नहीं। अगर क्लोजिंग पता नहीं है तो क्लोजिंग का कोई ना कोई तो कोई रिलेशन होना चाहिए, पर यहां कुछ भी नहीं है। हमें यहां एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है जो कि है परचेज, एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है जो कि है परचेज। तो क्या हम परचेज कुछ भी फॉर्मूला लगाएं जिसमें शायद परचेज भी आता हो, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती हो और क्लोजिंग भी आती हो, ऐसा कोई फॉर्मूला जो कि इन सबको जोड़ता हो? तो एक फॉर्मूला अभी अभी हमने इसका पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, क्या पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, पूरा लिखना गाइस आपको, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये अपन ने पढ़ा था। ये ओपनिंग को, परचेज को, क्लोजिंग को और COGS को, इन सबको जोड़ रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने पहले ही बताया था अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है तो हम उसको क्या मानेंगे, 0। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में, 1,00,000 रुपए, परचेज कितनी है 5,50,000 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अपने को। हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकाल रहे हैं, ताकि मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल पाऊं, अगर एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्ट गिवन होता तो मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालता। COGS कितना है 5,00,000 रुपए, ठीक है सॉल्व करें, 5,50,000 और 1,00,000 6,50,000 रुपए, ठीक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पूरा लिखना है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक जो भी आप लिखना चाहें, जो चाहिए उसको प्लस में ले जाओ, तो ये आ गया प्लस में, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 6,50,000 रुपए, इधर जाके 5,00,000 हो गया माइनस का, माइनस 5,00,000 रुपए, तो क्लोजिंग स्टॉक अपना आ जाता है 6,50,000 में से 5,00,000 गए तो 1,50,000 रुपए का आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक आ गया 1,50,000 रुपए का आ गया
क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकाला मैंने, ताकि मैं इन भाई साहब को निकाल सकूं। तो उसके बाद मैं निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय टू। गाइस आप इसको सॉल्व करो, ये हुआ 2.5 लाख डिवाइडेड बाय टू, तो 1,25,000 यहां पे आ रहा है। तो ये आ गया 1,25,000। ठीक है, कहां से आया, वर्किंग नोट 8। इस पूरे को आप वर्किंग नोट 8 दोगे। 1 पहले लिखना है ये पूरा, ठीक है, और उसके बाद इसी के नीचे से कंटिन्यूशन में आ जाएगा आपका यहां से ये पूरा, पहले ये फिर ये। ठीक है, कार्ड से देखा, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 125 से 500 काटो, कितनी टेबल में आता है, 5 की में आता है। ठीक है, 5 की में काटे, 5 की में गया 100, इसमें गया 2525, तो 100/25 वापिस 5 की में जा रहा है, काट लो, या फिर डायरेक्ट 25 की में जा रहा है। 25 4 100, तो 4 सीधा सीधा अंतर आ गया 4 टाइम्स। सिंपल था गाइस, कुछ भी नहीं था, बस हमें क्या है ये चीजें देख के लिंक बैठाना आना चाहिए कि हाँ भाई ये गिवन है, तो ऐसा कुछ एक फॉर्मूला जो कि इनको कनेक्ट करता हो वो मिल रहा है। तो वो फॉर्मूले हमने सारे पढ़े हुए हैं, आप वीडियो नंबर 95 भी देख लो, उसके फॉर्मूले अभी काम नहीं आए पर आगे भी काम आएंगे और शायद अभी भी काम में आ जाए। सो गाइस देखो इसको, सिंपल था है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई लोगों, चलो ट्राई करते हैं, आप अपने आप ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करें, कोशिश करो भाई, कुछ भी नया नहीं है, थोड़ा सा परसेंटेज आने से या कुछ ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नथिंग विच कैन बी इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ सीखते हो तो आप करने की हिम्मत भी रखते हो। देखो क्या गिवन है, पहले लिख देते हैं अपने को, सबसे पहले गिवन है ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, कुछ भी लिखो आप, 50,000 रुपए। परचेज गिवन है भाई, परचेज से समझ में आ गया कि मैं शायद परचेज की मदद से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूं, क्योंकि भाई परचेज का एक फॉर्मूला तो है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यहां अलग से नेट सेल्स करके दिखा रखा है, यानी कि कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। नेट सेल्स दे रखी है हमको कितनी है, 6 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 30%। अब भाई कुछ भी नहीं गिवन तो मैं मानूंगा भाई सेल का 30% क्या है मेरा प्रॉफिट, हमने मैंने फॉर्मूला लिखा सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ना तो सीओजीएस है ना एवरेज इन्वेंट्री है, परचेज की मदद से मैं क्लोजिंग स्टॉक तक आ सकता हूं, पर उसके लिए भी इक्वल टू के इस तरफ सीओजीएस होना चाहिए। सेल्स गिवन है, सेल्स का फॉर्मूला है, सीओजीएस की फॉर्म में है, तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, सेल्स हो नेट सेल्स हो, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30%, किसका 30%, सेल्स का ही होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गिवन है सेल्स का 30%, तो 6 लाख का 30% प्रॉफिट हो गया ना, 6 लाख 30% निकाले, 1, 1, 1, 1, 6,000 × 30 1,80,000 कितना हो गया, 6 लाख में से 1,80,000 गए तो 4,20,000 क्या आ गया, COGS वर्किंग नोट नंबर 1 से आ गया 4,20,000 का ये। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अगर यहां मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी होती तो मैं डायरेक्ट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय टू कर देता, पर
पर मुझे यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री डेट निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन। तो पहले मैं सीओजीएस का एक और फॉर्मूला लगाता हूँ और उसकी मदद से निकाल लेता हूँ। परचेज गिवन है तो सीओजीएस का एक और फॉर्मूला मैंने लगाया क्या, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। ये फॉर्मूला मैं पहले नहीं लगा सकता था क्योंकि पहले मेरे पास ये भी अवेलेबल नहीं है और ये भी अवेलेबल नहीं था। अब दोनों में से एक चीज मिल गई है तो मैं आराम से लगा सकता हूँ। तो 4,20,000 ओपनिंग कितना है 50,000, ओपनिंग है अपना 50,000। परचेज कितना है 3,90,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो 0 और क्लोजिंग स्टॉक का अता पता नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्लोजिंग इधर चला जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं जगह उधर कम है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ये 3,90 और 50 कितना हो गया 4,40,000, ये वो वाला इधर आया तो माइनस का 4,20,000, ये दोनों जुड़ गए 4,40, ये इधर आया तो माइनस का हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया है हमारा 20,000। अब भाई क्लोजिंग स्टॉक आ गया है तो क्लोजिंग स्टॉक की मदद से हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है 50,000, क्लोजिंग कितना है 20,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं इसको यहां कर देता है 50 और 20 70/2, तो आप इसको डिवाइड कर लो आएगा 35,000। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ गई है तो 35,000 आ रहा है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 35,000, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 35 और 420 डिवाइड कर लो आ रहा है 12 टाइम्स। कितनी बार में जा रहा है 12 टाइम्स। ठीक है, पहले 5 से कट जाएगा फिर 7 से कट जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था अपना एक और क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है गाइस, तो ये जो है ये इससे कुछ क्वेश्चन है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे और हो सका तो उसी वीडियो में थर्ड टाइप के क्वेश्चन करके इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। अगर गाइस इसमें शायद किसी बीच में एक वीडियो में ये डिवाइड बाय 2 कट गया हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है गाइस, तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com जहां जाके आप अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थ्रू वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं।